हैं ना जो उनको ले जा रही है ये कितना मुंह भर दिया इसने देखो अपना मुंह भी ही रखा है। ये देखो ढूंढ रही है गुड मॉर्निंग एवरी वन जैसे राम जी तो देख सकते हैं आप इसमें से मैंने ना प्याज निकाल दिए कल मैंने इसमें से प्याज निकाल ले थे और आज मैं क्या कर रही हूँ आज मैं इसमें गोबर डाल रही हूँ कल शाम को मैंने इसकी सिंचाई भी करी थी थोड़ी थोड़ी सिंचाई करी थी हमारे आजकल ना पानी की बहुत कमी है यहाँ पे इसलिए थोड़ा थोड़ा बाल्टी से ही मैंने इसमें पानी डाला है और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अभी गोबर की खाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये है गोबर की खाद ये बिल्कुल इस तरह से जब ये किट्टा किट्टा हो जाता है ना तो ये बहुत ही उपजाऊ खाद बन जाती है और हमें कोई भी रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया केन जो भी हम डालते हैं उसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने जो प्याज भी लगाए थे ना उसमें कोई भी खाद नहीं डाली थी सिर्फ ये जो हमारी गोबर की खाद होती है यही डाली थी ये देखिए गोबर अपने घर के गाय का गोबर और इसी से ही प्याज जो है वो अच्छे हुए मतलब आप ज़रूरत नहीं होती है कोई भी ये जो दूसरी खादें आती है ना रासायनिक खादें तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने पहले भी इसमें डाला हुआ है गोबर <coughs> लेकिन अभी मैंने क्या किया थोड़ा थोड़ा ही मैं डाल रही हूँ जैसे पौधे पौधे के पास ना ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि अभी क्या है बहुत ज़्यादा धूप तप रही है देख सकते हैं आप अभी ग्यारह नहीं बजे साढ़े दस हुए हैं बहुत तेज़ धूप तप रही है तो वो ज़्यादा गोबर से भी क्या होता है ना जैसे कच्चा गोबर या फिर थोड़ी हीट आ, आ, करता ही है थोड़े टाइम के लिए एक दो दिन के लिए तो उससे फिर क्या होता है फ़सल के झुलसने का भी डर रहता है तो अभी मैंने हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका हाँ अच्छा बस हो जाएगा तब बाकी आप अपने को भरो अब तो यहाँ पे मैंने कुछ खाली में भी डाल दिया है ये और मैंने आधे तक डाला हुआ है उधर पहले ना गोबर आधे तक मैंने डाला हुआ है उससे इधर वाले में मुझे डालना है अभी इस वाले में तो चलिए फटाफट से डाल लेती हूँ इसको भी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गोबर भरने लगी थी ना और हमारे पास खेत लगाए हुए हैं यहाँ पे अंकल एक ना आ, वो भी आए थे यहाँ पे गोबर लेने के लिए तो उन्होंने देखिए मेरे पास यहाँ पे एक दो कट्टे जो है ना वो भर दिए थे गोबर के और उन्होंने भी खेत को ले जाना था तो मैं उनको यहाँ पे आपने वीडियो में भी देखा कि बहुत बहुत धन्यवाद बोली थी और धूप इतनी तेज़ थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि छाँव छाँव में करती हूँ काम यहाँ पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो डाल ही लेती हूँ गोबर बारिश होगी ना अगर कभी आगे चार पाँच छः दिन में तो ये गोबर की खुराक लगेगी तो देखिए गोबर मैंने डाल दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे ही गोबर डाला ना देखिए सबका भोजन अलग अलग होता है भगवान ने सबको पेट दिया है और सभी का खान पान भी अलग है तो किसी की जान जो है वो किसी ये का, ये का खाना भी होती है देखिए सबका सब अपना अपना भोजन होता है ना ये देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे गोबर की खाद डाली तो इसमें बहुत सारे कैचुए थे ये देखो ये जो पक्षी है ना क्रेई बोलते हैं हमारे इसको ये देखिए अपना भोजन लेने के लिए यहाँ पे आ गई ये देखो मुँह में भर के ले जा रही है ये देखो सभी के पेट लगा हुआ है ना सबका अलग अलग आहार अलग अलग व्यवहार ये देखो कैसी चुग रही है ये देखो केंचुए हैं ना जो उनको ले जा रही है ये देखिए कितना मुंह भर दिया इसने देखो अपना मुंह भी खुला ही रखा हुआ है ये देखो ढूंढ रही है उसमें तो अगर आप लोग बोलेंगे ना कि ये तो पाप है देखिए ये पाप नहीं है ये प्रकृति है देखिए सबके लिए ना अपना अपना अलग अलग भोजन भगवान ने पहले से ही बनाकर भेजा हुआ है हाँ जो हम जबरदस्ती किसी को मार कर खिला रहे हैं वो पाप है आपने एक किसान जो है ना वो कितने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जो है वो करता है, है ना देख सकते हैं आप इसमें इतने सारे केंचुए हैं ना तो ये इसको लेने के लिए आई है केंचुए जो हैं वो किसान की बहुत सहायता करते हैं खेत जो है हमारी मिट्टी जो है उसको उपजाऊ बनाने में और ये जो केंचुए हैं देखिए किसी का भोजन भी होता है ना कीड़े मकोड़े सबका अपना अपना पेट लगा हुआ है सब अपने पेट के लिए कितना वो करते हैं मेहनत ये देखो ये जो रही है ये यहाँ पे कैंचुए कितने कितने सारे इसने भर लिए अपने मुँह में ये देखो और भी भरी रही है अभी भी अभी भी और ले जा रही है देखो इसके बच्चे होंगे ना उनके लिए ले जा रही होंगे ये देखो इनका फेवरेट आहार होता है ये वैसे तो हम पक्षियों के लिए दाना पानी हर अपने आंगन में हमेशा रखते हैं लेकिन सभी का अपना अपना फेवरेट खाना होता होगा ना इनको शायद यही कीड़े मकौड़े अच्छे लगते होंगे बस भाई वही कितनी सांस फुली गई इसको देखो डर भी रही होगी ना कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ये देखो डर भी रही होगी डरते भी तो है ना चलिए हु? देखो के तो फ्रेंड्स जैसे ही दिन में घर का काम करके मतलब घर का नहीं खेत का काम करके मैं घर आई वैसे ही मेरे पास एक फ़ोन आया और मेरे पास आया एक छोटे से केक का ऑर्डर बेंटो केक का एक ऑर्डर आया है और उन्होंने कहा कि हमें डेढ़ सौ तक का केक जो है ना आप बना के दीजिए तो डेढ़ सौ तक का केक जो होता है ना वो बेंटो केक ही होता है मतलब दो सौ पचहत्तर दो सौ अस्सी ग्राम मतलब इस ग्राम इतना ग्राम होता है तो यहाँ पर बेंटो केक जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीन

क्या क्या करूँ कैसे बनाऊँ और मेरे पास ना मोड नहीं है बेंटो केक के लिए छोटे मोड जो आते हैं ना तो कोई भी कटोरी जैसे होता है ना लंच बॉक्स वगैरह उसके डब्बे भी होते हैं तो उसमें मैं बना लेती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज जो है ना वो बनाने के लिए यहाँ पे बैटर को मैं अच्छे से घोल रही हूँ तो बेंटो केक जो है ना इसके ऑर्डर बहुत कम आते हैं यहाँ पे मेरे पास ज़्यादातर आधा किलो के होते हैं एक किलो के होते हैं डेढ़ किलो के दो किलो के भी होते हैं बेंटो केक के बहुत कम होते हैं तो बेंटो केक जो है ना वो स्पेशली मतलब जैसे तीन से चार लोग के लिए हो जाता है चार लोग के लिए अगर मतलब आपने प्रॉपर एक एक स्लाइस अच्छे से खानी है तो तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ना वो अपने ही है रिलेटिव उन्होंने ही दिया था ये केक का ऑर्डर और, और दिन में दिया था और उनको शाम को ये चाहिए भी था तो मैं सोच रही थी कि बना तो दूँ कैसे भेजूँ तो फिर मैंने भिजवा भी दिया था सोलन ये केक भिजवाना था तो अभी यहाँ पे मेरे पास आ, कुछ नया बनाने के लिए भी मैं सोचती थी कि कुछ नया बनाती हूँ मैंने ना बहुत टाइम से जो डोम शेप के आते हैं ना केक कितने के सुंदर से लगते हैं देखने में मैंने कभी वैसा नहीं बनाया था तो मैं फ़र्स्ट टाइम वो वाला केक ट्राई करना चाहती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेंटो केक बहुत अच्छा ऑप्शन है और मेरे पास ऐसा ही एक मोल्ड था भी वैसे तो नॉर्मल जो होता है ना सर्कल वाला जो नॉर्मल केक टिन होता है उससे भी बना सकते हैं बट मेरे पास ऐसा था तो मुझे ये वाला ज़्यादा ईजी लग रहा था तो देखिए सारा का सारा बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने और पतीले को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था पहले से ही और बस यहाँ पे मैं इसको रख दूंगी और इसको मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया था बीस इक्कीस मिनट का टाइमर लगाया था मैंने और उतनी देर में ये अच्छे से बेक हो गया था इसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूंगी आप लोग वहाँ पे ज़रूर देखिएगा जो जो लोग केक बनाने की वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक गांव की गृहिणी हूँ मैं और उसके साथ साथ ही मैं एक होम बेकर भी हूँ बेकिंग का काम करती हूँ केक पेस्ट्रीज वगैरह जो है वो मैं बनाती हूँ ऑर्डर आते हैं मेरे पास जैसे उस हिसाब से मैं केक बनाती हूँ और अगर मेरे को मतलब होता है कि जैसे सोलन का होता है तो मैं सोलन को भिजवा भी देती हूँ क्योंकि हमारे घर से डेली कोई ना कोई सोलन जाता ही है तो ये देखिए आपको मैं यहाँ पर स्पॉन्ज दिखा रही हूँ कितना अच्छा स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ है देखिए इतने से मतलब मतलब छोटा सा बेंटो केक बनेगा ना छोटा तो नहीं बनेगा काफ़ी बड़ा बनेगा वैसे ये क्योंकि ये था चार साढ़े चार इंच का था ये केक टिन जो भी था मेरे पास कटोरा ना तो काफ़ी इतना बिल्कुल छुटकू सा भी नहीं बनने वाला है ठीक ही बनने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पॉन्ज जो है वो ठंडा हो चुका है अभी इसको मैं तीन लेयर में कट करूंगी मतलब अच्छी खासी इसकी हाइट आई थी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल छुटकू सा ही था इसकी दो ही लेयर होती जैसे बेंटो केक की ना ज़्यादातर दो लेयर ही करते हैं ज़्यादातर जो बनाते हैं मतलब वीडियोस में यहाँ पे गांव में बहुत कम होते हैं बैंटू केक के ऑर्डर लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये था तो मैंने बनाया और कुछ नया बनाने को भी मिला मुझे और आज मैंने इसमें डिज़ाइन भी कुछ नया ही सोचा तो देख सकते हैं आप कि मैंने तीन लेयर जो है ना इसकी वो कट कर ली है तो इस बैंटू केक को मैंने बना के रेडी कर दिया था और शाम के टाइम इसको मैंने भेज भी दिया था उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इतना अच्छा स्पॉन्ज के रेडी हुआ है और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं देखिए तीन सौ इक्यावन ग्राम जो है ना इसका वेट हो गया था बहुत ज्यादा ही हो गया था वैसे चलो कोई बात नहीं अपने ही है रिश्तेदार वो जिन्होंने लेना था कैसा लगा आपको केक बताइएगा वीडियो कंट यही कर रही हूँ जैसे